बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का विस्तृत अध्ययन हमें करना है। कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन से पूर्व हम काव्य की इस विधा अर्थात नाटक के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्कृत साहित्य के इतिहास के संदर्भ में हमने पूर्व व्याख्यान में महाकाव्य क्या है इस विषय पर चर्चा की थी। आज महाकाव्य के अतिरिक्त हम एक अन्य विधा नाटक के विषय में जानेंगे। संस्कृत के काव्य शास्त्रियों ने काव्य को दो भागों में विभक्त किया है, दृश्य और श्रव्य। दृश्य काव्यों में नाटक अर्थात रूपक एवं उपरूपक का ग्रहण होता है क्योंकि इसका अभिनय किया जाता है, ये दर्शकों द्वारा देखे जाते हैं। श्रव्य काव्य की अपेक्षा दृश्य काव्य अधिक जनप्रिय होता है। कहा भी गया है काव्येषु नाटकम् रम्यम्। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 36 अध्यायों में नाट्यशास्त्र का प्रामाणिक और विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। भारतीय नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति की विवेचना करते हुए भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में उल्लेख किया है कि संपूर्ण देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि हमें ऐसे मनोरंजन की वस्तु दीजिए जो दृश्य और श्रव्य दोनों हो, जिसको चारों वर्णों के व्यक्ति समान रूप से अपना सकें। उनकी प्रार्थना पर ब्रह्मा ने चारों वेदों से सार भाग लेकर पंचम वेद नाट्य वेद की रचना की। अब नाटकों का विकास किस प्रकार से हुआ? सर्वप्रथम हमें रामायण और महाभारत के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस समय नाटक प्रचलित हो चुके थे और नाटकों का विकास क्रम प्रगति पर था। वाल्मीकि रामायण में नाटक, नट, नर्तक आदि का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। महाभारत के विराट पर्व में रंगशाला का उल्लेख मिलता है। भारतीय नाट्यशास्त्र के प्रधान आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। भारतीय नाटककारों में सबसे प्राचीन रचनाएं महाकवि भास की प्राप्त होती हैं। तत्पश्चात शूद्रक, महाकवि कालिदास, अश्वघोष, हर्ष, भवभूति आदि के नाटक मिलते हैं। महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य की ही नहीं अपितु विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। काव्येषु नाटकम् रम्यम् तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयः। इस ग्रंथ के विषय में देशिक और वैदेशिक विद्वानों ने बहुत सी प्रशंसाएं लिखी हैं। वस्तुतः इसकी प्रशंसा में जो कुछ भी कहा जाए वह सब थोड़ा ही है। महाकवि ने व्यावहारिक धरातल पर उतरकर जिन शाश्वत मूल्यों को प्रस्तुत किया है वे अन्यत्र दुर्लभ हैं। कालिदास सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, ये उक्ति कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की महत्ता को प्रतिपादित करती है। यह नाटक 7 अंकों में लिखा गया है, श्रृंगार रस प्रधान है। नाटक के 7 अंकों में पुरुवंशी राजा दुष्यंत तथा महर्षि कर्ण की पालिता पुत्री शकुंतला की प्रणय वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा इसमें वर्णित है। इसके कथा वस्तु महाकवि महाभारत के आदि पर्व में वर्णित शकुंतलोपाख्यान से ली गई है, किंतु कवि ने अपनी नव नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा से इसे सरस और गरिमा में बनाकर प्रस्तुत किया है। ग्रंथ में वैदर्भी रीति, माधुर्य गुण, यह नाटक लगभग सभी भाषाओं में अनुवादित है। सर्वोत्कृष्ट नाटक में इसकी गणना है। नाटक का प्रारंभ नांदी पाठ और अंत भरत वाक्य से हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम का हम विस्तृत अध्ययन अपने अग्रिम व्याख्यान में करेंगे।